स्टूडेंट ऑफ इंटर क्लास अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने होते हैं और ये कैसे बनते हैं। पहले तो ये बताऊँ कि बाइनरी कंपाउंड किससे कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन, तो एक बाइनरी माना बाय कहते हैं टू एलिमेंट से बाइनरी वर्ड से शो हो रहा है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो एक कंपाउंड मिले उसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी बाइनरी मीन्स टू एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो तो एक कंपाउंड दे, उस कंपाउंड का नाम होगा बाइनरी कंपाउंड्स। क्या होगा? बाइनरी कंपाउंड्स। When two elements combine with each other to form a compound, this compound is called a binary compound. आपने binary compound पढ़े होंगे, जैसे suppose मैं oxygen element, oxygen reaction with oxygen, carbon reaction with oxygen, it gives carbon dioxide. It gives a carbon dioxide. ये जो carbon है और ये oxygen है, ये भी element है, इसको भी आप एलिमेंट कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। पर ये बाइनरी कंपाउंड किसका है? ऑक्सीजन का। तो इनके मखसूस नेम होते हैं। क्या होते हैं? मखसूस नेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होंगे उनका नाम होगा ऑक्साइड से। जैसे मैं यहाँ बोलाऊँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड, तो जो ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट रिएक्शन करें, किसी अदर एलिमेंट को कोई रिएक्शन करें, तो उनका जो बाइनरी कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का, उसका नाम होता है ऑक्साइड्स। अगर किसी के साथ कार्बन रिएक्शन कराए, क्या रिएक्शन कराए? कार्बन, तो उसको कहते हैं कार्बाइड। उसके बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बाइड। क्या होते हैं? कार्बाइड। अगर कार्बन मेजर एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है किसी अदर एलिमेंट के साथ, तो उन कार्बन के एलिमेंट को बाइनरी कंपाउंड को कहेंगे कार्बाइड। अगर नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्राइड से, ये इनके नेम है। अगर हेलोजन रिएक्शन कर रहा है किसी अदर के एलिमेंट के साथ, तो उनको बोलेंगे हेलाइड से। क्या बोलेंगे? हेलाइड से। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो बाइनरी कंपाउंड दे रहा है, उस बाइनरी कंपाउंड का नाम होगा हाइड्राइड्स। क्या होगा? हाइड्राइड्स। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू गिव बाइनरी कंपाउंड, डेट बाइनरी कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राइड्स। उसको क्या कहेंगे? हाइड्राइड्स। उसका लिखो डेफिनेशन। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। उसका नाम क्या होगा? हाइड्राइड्स। अगर कोई हाइड्रोजन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो कंपाउंड दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट, इट गिव्स सोडियम हाइड्राइड्स। इट गिव्स सोडियम हाइड्राइड्स। ये जो कंपाउंड दे रहा है, इस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्राइड्स। और ये कंपाउंड क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन।
ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका नाम क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट इट फॉर्म अ बाइंडिंग कंपाउंड। ये कंपाउंड बाइंडिंग कंपाउंड बना रहा है, इस बाइंडिंग कंपाउंड का नाम होगा हाइड्राइड्स, और बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का नाम क्या होता है, हाइड्राइड्स। अब इसके टाइप्स होते हैं, कहीं पे हाइड्रोजन एज अ काम करता है एनायन का, कहीं पे काम करता है एज अ केटाइन पर, कहीं पे काम करता है हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कहीं पे एलिमेंट हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इनके टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स, और इसकी मखसूस प्रॉपर्टीज बन जाती है। हर हाइड्राइड्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, इन दोनों की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। वैसे ही जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड बनते हैं उनकी भी एक मखसूस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मखसूस उनकी रिएक्शन कंडीशन होती है, मखसूस उनका फिजिकल बिहेवियर होता है, मखसूस उनकी शेप्स होती है, मखसूस उनकी मेजर प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से वो बनती हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स, पहले मैं बताया कि व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी लफ्ज़ की मीनिंग है अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक कंपाउंड दे रहे हैं, उस कंपाउंड का नाम है बाइनरी, और उस हर एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड का मखसूस नेम होगा। अगर ऑक्सीजन कर रहा है तो ऑक्साइड, अगर कार्बन कर रहा है कार्बाइड, अगर हेलोजन कर रहा है तो हेलाइड्स, इनके मखसूस नेम है। अगर हाइड्रोजन कह रहा है किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन, जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम होगा हाइड्राइड्स। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे सोडियम कह रहा है रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, इट गिव द सोडियम हाइड्राइड। अगर हम दूसरे पर हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन गिव द कैल्शियम हाइड्राइड्स, ये भी एग्जांपल लिख लो। अभी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बाइंडिंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन के कितने हैं, उनके मैं नेम लिखवाऊंगा। बाइंडिंग कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट इट गिव्स अ कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टाइप्स कितने हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वो टाइप्स कौन से हैं वो नेम लिख रहे हैं। इसके तो वैसे मेजर जो हैं वो तीन टाइप्स हैं। पहला है आयनिक कंपाउंड, आयनिक हाइड्राइड्स है, पहला नेम है आयनिक हाइड्राइड्स है, इसको कहते हैं साल्ट लाइक हाइड्राइड्स है। यहां आर सलाइन हाइड्राइड्स है, दूसरा जो है वो टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड्स है, ये में तीसरा जो है उसको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। ये तीन इसके मेजर हैं। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, फिफ्थ नंबर पॉलीमर हाइड्राइड्स, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स, सिक्स नंबर बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स,
अब ये हमने सूडो आयोडाइड्स पर, ये आपकी बुक में नहीं है, दोनों ही पढ़े, 7-1 होता है। तो आयनिक आयोडाइड्स, साल्ट लाइक आयोडाइड्स, सलाइन आयोडाइड्स, एक ये हो गया, कोवलेंट आयोडाइड हो गया, मेटालिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, पॉलीमर हो गया, बोर्डर। और हर आयोडाइड्स की अपनी एक मखसूस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, और हर आयोडाइड्स की रिएक्शन कंडीशन, इनमें एलिमेंट अदर होंगे, डिफरेंट होंगे, इनके अंदर एलिमेंट अदर होंगे, इनके अंदर एलिमेंट अदर होंगे, इनके अंदर मखसूस एलिमेंट होंगे। ये हमको अलग कैटेगरीज में क्यों किया गया है, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट जो पुरानी टेबल में एलिमेंट्स आते हैं उनका रिएक्शन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो पहले आयनिक आयोडाइड में जारी बात है कि जो कंपाउंड बनेंगे उनमें क्या होगी, आयनिक कंपाउंड होगा, उनकी जो नेचर क्या होगी, आयनिक प्रॉपर्टीज वाली होगी। कोवलेंट आयोडाइड वाली जारी बात है वही नेचर होगी जो कोवलेंट के लिहाज से। मेटालिक क्या होगी, जो मेटालिक फॉर्म बने, कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स इन दोनों को कंबाइन करें तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। पॉलीमर एक दो मखसूस हैं जो बनाते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जब आपस में दोनों में कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर। बॉर्डर लाइन में एक मखसूस एलिमेंट होते हैं जो डी ब्लॉक वाले, उनके साथ अगर रिएक्शन करता है हाइड्रोजन तो एक बनाता है क्या। तो आयनिक आयोडाइड में जो ग्रुप होते हैं वो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जिनका रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कोवलेंट आयोडाइड कैसे, जो हमारे कम एलिमेंट हैं कौन से, थर्ड ए ग्रुप से लेके सेवन ए ग्रुप तक, इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, बाइनरी कंपाउंड। तो हम कल इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, हर में टॉपिक हर में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले से बता रहा हूँ कि बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन की एक मखसूस अपनी प्रॉपर्टीज होगी। इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्यों पढ़ें, अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए ऐसे पढ़ें जैसे इनकी मखसूस हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जान सकें, और ये भी जान सकें कि इनके अंदर हाइड्रोजन का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये कंपाउंड बन रहे हैं। हर किसी का अलग अलग पढ़ेंगे और हर किसी का हम उनकी फिजिकल केमिकल यूजेज ये सारे कुछ पढ़ेंगे।